अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मंत्री जी इस प्रॉब्लम को भी जान रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। आज हजारों लाखों लोगों के पास, जिनके पास मोबाइल उपलब्ध है या नेट उपलब्ध है, उनको ऐसे आता है कि आप $2 लाख जीत गए, $10 लाख का पुरस्कार जीत गए, और जो गांव देहात के लोग हैं वह समझते नहीं है। बाद में आता है कि आप 5,000 रुपये जमा कीजिए और इसके बाद आपके पुरस्कार आपके घर पर पहुँच जाएगा। 5,000 जमा कर देते हैं, फिर 10,000 मांगा जाता है, उसके बाद जब पैसे नहीं आते हैं वो शिकायत करने पुलिस थाने जाते हैं, तो पुलिस थाना उन लोगों का मजाक उड़ाती है कि तुमने पैसे क्यों जमा कर दिए। मतलब मैम, स्थिति यह है कि मेरा जो ऑफिशियल फ़ोन है और मेरा ऑफिशियल जो लोकसभा का इंटरनेट है, उस हिसाब से कम मुझे $50 करोड़ का पुरस्कार अभी तक मिल जाना चाहिए था। तो मुझे मंत्री जी से यह जानना है कि जब उन्होंने इतना बढ़िया सर्च रिस्पॉन्स टीम बना के रखा हुआ है, तो इस तरह के 2-4 लोगों को भी अगर अरेस्ट होगी और जेल होगी जो ये फेक एडवर्टीजमेंट करते हैं लाखों डॉलर पुरस्कार जीतने का, उसमें से 8-10 भी अगर अरेस्टेड हो जाएंगे, तो कम से कम ये नेट पर आना बंद हो जाएगा और जो गरीब लोग हैं वो बेवकूफ़ जो गाँव में बन रहे हैं उससे बचा जाएगा। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या इसमें इनिशिएटिव लेके मंत्री जी स्वयं कोई एक्शन लेने जा रहे हैं जिससे कि मोबाइल पर और इस तरह के कॉल्स और इंटरनेट पर इस तरह के इनाम आना बंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पुरस्कार देते हैं मोबाइल के द्वारा, इनके जो सेंटर्स हैं वो देश के बाहर हैं। हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि यहाँ हैं। ये लग ज़्यादातर देश के बाहर हैं और देश के बाहर की इंफॉर्मेशन हमें मिलती नहीं। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है अगर कोई एक मैं एक एक मेरी बात को सुन लीजिए, अगर मेरे मोबाइल नंबर पे एक मोबाइल नंबर आता है और उसकी मैं जानकारी सरकार को देता हूं, तो सरकार उसकी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन मुझे सरकार में बैठे बैठे ये नहीं मालूम कि आपके मोबाइल नंबर पे क्या नंबर आया है। हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मुझे जानकारी मिल जाए कि 934 करोड़ लोगों के पास जो मोबाइल है उनके यहाँ क्या क्या मोबाइल नंबर आया है। अगर मिल जाती तो मैं ज़रूर कार्रवाई आगे करता, लेकिन फिर भी अगर कोई आप उदाहरण मुझे देंगे, आपके कोई उदाहरण देंगे कि इस मोबाइल नंबर में ऐसा हुआ है, तो मैं उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करूँगा।